अमित, तुम यहाँ अकेले? क्या बात है, तुम गए नहीं? कहाँ टीचर? राजू के साथ। तुम तो राजू के घर जाने वाले थे ना? हाँ टीचर, मैं जाने वाला था लेकिन मैं गया नहीं। क्यों नहीं गए? सारे बच्चे छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए, कोई भी नहीं है यहाँ। तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। मैं कैसे जाता टीचर? क्यों अमित, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? नहीं टीचर। तो फिर? राजू की आंटी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं राजू के घर नहीं जा सकता। अमित, अमित, राजू, राजू, अमित, हम तुम्हें लेने आए। मैं तुमसे कहा था ना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। देखा, पापा भी मेरे साथ आए। अमित चली चलो, हम तुम्हें लेने आए, चली चलो। कैसे बेटे? अच्छा हूँ अंकल। अमित अपना बैग जल्दी ले लो, पापा हम दोनों बैग लेकर आते हैं। नहीं राजू। नहीं क्यों? मैं जानता हूँ अमित, तुम्हें आंटी की बात का बुरा लगा लेकिन पापा ने उन्हें बहुत डांटा। मैं जानता हूँ राजू, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरा मान सम्मान तो है और मैं अपना अपमान नहीं सह सकता। बेटे ऐसा नहीं बोलते। कौन कहता है तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरे होते हुए ऐसा कभी मत सोचना। तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो जैसे राजू है, और तुम हमारे साथ घर चल रहे हो अपनी छुट्टियां मनाने। वहाँ हम घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे, और सबसे बड़ी बात, राजू का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आना है। हम साथ जाकर केक लेकर आएंगे। ओके अमित, अंकल तुम्हें इतने प्यार से लेने आए हैं, तुम्हें अंकल के साथ जाना चाहिए। चलो बेटा, राजू के साथ जाकर अपना बैग लेकर आ जाओ। हाँ पापा, चलो अमित। ये आपने बहुत अच्छा किया मिस्टर राज, स्कूल का कोई भी बच्चा यहाँ नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं। वैसे अमित है किसका बेटा, उसके पेरेंट्स का कोई आता पता? कुछ मत पूछो मिस्टर राज, अगर मैं अमित के पेरेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है मिसेस कामत, उसके पेरेंट्स हैं कौन? अमित के नाना एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। व्हाट? जी, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, जब अमित सिर्फ 3 दिन का था तो वो डोनेशन के एक बिग अमाउंट के साथ उसे यहाँ छोड़ गए थे। तो क्या कभी कोई अमित से मिलने नहीं आया? जी नहीं, आज अमित पूरे 9 साल का हो चुका है पर एक बार भी कोई पलट कर उसे देखने नहीं आया। जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं तो सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं पर अमित, अमित यहाँ फूट फूट कर रोता है। चलिए पापा, अमित ने अपना सारा सामान ले लिया है। चलो बच्चे। ओके मिसेस कामत, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट मिस्टर। थैंक यू टीचर। बाय टीचर। चलो।